और शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के दो लेजेंडरी एक्टर जिनका नाम ही काफ़ी है बिहार में, इन लोगों ने अपने आप को किसी एक काम के लिए जोड़ा है, वो है हनुमान चालीसा, जिसका ट्रीजर रिलीज हो गया है। जी हाँ, ट्रीजर रिलीज को भाई खुद सोनाक्षी सिन्हा, जो कि बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं, उन्होंने अपने स्टोरी यानी इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर इसे प्रमोट किया है। और सोनाक्षी की माने तो उनके पिता द्वारा गाई हुई इस हनुमान चालीसा को वो बहुत इंजॉय कर, उनका कहना है कि पापा ने पहली बार इस तरह किसी ऑडियो में अपनी आवाज़ दी है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि मुझे मेरे पापा की आवाज़ बहुत पसंद है। वैसे भी अपने पापा को अपना आइडल मानने वाली सोनाक्षी सिन्हा ये कहती हैं कि उन्होंने पहली बार पवन सिंह को भी सुना। वैसे इससे पहले उन्होंने लॉलीपॉप वाला सॉन्ग बहुत बार सुना था, लेकिन वो पर्सनली पवन सिंह को नहीं जानती थी। लेकिन पापा ने जब उनके बारे में बताया कि वो बिहार के बहुत ही बड़े और नामी एक्टर हैं और उनका नाम बिहार में बहुत ही ज़्यादा है, तब मैं पहली बार पवन सिंह के बारे में जान पाई। और यकीन मानिए, पवन की आवाज़ में सुकून है, जादू है। वैसे सोनाक्षी सिन्हा अपने पिता को हर जगह प्रमोट करती हैं, फिर वो चाहे बिहार में चुनाव प्रचार रहा हो या फिर उनके पिताजी का दिया हुआ कोई भी बयान हो, सोनाक्षी अपने पिता को सपोर्ट करती हमेशा नज़र आई हैं। और यहाँ भी जब शत्रुघ्न सिन्हा ने पवन सिंह के साथ मर्ज होकर हनुमान चालीसा को दर्शकों के बीच लाने की कोशिश की, तब भी यहाँ सोनाक्षी सिन्हा उन्हें सपोर्ट करती नज़र आई। सोनाक्षी ने यहाँ जमकर पवन की तारीफ भी की है और साथ ही अपने पिता के इस नए हुनर के लिए उन्हें बधाइयाँ भी दी हैं और लोगों से ये अपील की है कि जब हनुमान चालीसा का पार्ट रिलीज होगा तो लोग उन्हें ज़रूर पसंद करें। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं।